खरगोन जिले में खराब मिर्च बीज बोने से एक गांव के किसानों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। बताया जा रहा है कि गुणवत्ताहीन बीज बोने से फसल नष्ट हुई है। दरअसल मामला खरगोन तहसील के ग्राम इदारतपुर छालपा का है, जहां किसानों ने सेमेंस कंपनी वैरायटी का मिर्च बीज खरगोन की अलग अलग दुकानों से खरीदा, जिसकी पैदावार अधिक खर्च के बावजूद नहीं हुई। लिहाजा आर्थिक तंगी के दौर से गुजरते गांव के किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कंपनी से उचित मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान ने बताया कि एक ही स्थान पर दूसरी वैरायटी की पैदावार हुई, जबकि सेमेंस कंपनी की वैरायटी ने दम तोड़ दिया, जिसकी जाँच करके उचित मुआवजा राशि दिलाई जाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन से खरीदिए और हमारा लाखों का नुकसान हुआ है। ये मानसेंटो की सेमिलियस कंपनी की 1448 है, जिसमें एक भी फल नहीं लगा है। हमने दूसरे बीज भी खरीदे, वो अच्छी है और ये ख़राब है। हमारे पूरी लाखों की फसल इसमें इसको लगा के बर्बाद कर दिया। हमको नकली बीज दिया गया है, पूरी कंपनी ने नकली बीज बना के पूरे खरगोन जिले में बेचा है और सभी की जगह यही हालत है। हमारे गाँव में 14-15 किसान हैं जिन्होंने ये लगाए हैं और सभी के यहाँ ख़राब हुई है फसल और लाखों का नुकसान हमारा हुआ है। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं या तो कंपनी वाले हमारे को उचित पूरी फसल का मुआवजा दे या फिर ये कंपनी को बंद करे, ताकि किसान लोग परेशान ना हो आगे और गुमराह ना हो। क्या नाम है आपका? ब्रजेश पाटीदार। सर, हम मिर्ची बीज खराब हो गए, इसलिए ग्राम इदारतपुर छलपा से आए हैं। 10-15 किसानों का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, इसलिए हम जनसुनवाई में शिकायत कर रहे हैं। तो कैसे क्या नुकसान हुआ, कहाँ से बीज खरीदा था आप? बीज हमने 3 दुकानों से खरीदा है, गांव के अलग अलग किसानों ने अलग अलग दुकानों से खरीदा है और लाखों रुपए का बीज भी है, खर्च है उसमें और उत्पादन हमारा 0 आ रहा है। क्या मिर्ची पूरी तरह खत्म हो गई? मिर्ची पे सर फलन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एक भी मिर्ची नहीं लग रही है, उसके साइड में दूसरी मिर्ची लगी है। आप चाहे तो रूबरू जाके देख सकते हैं। ऐसे कितने किसान हैं? ऐसे सर करीबन 14 किसान। क्या मांग की आपने यहाँ पर? मांग हमारी ये है कि सर ये खराब बीज के कारण हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए कंपनी के द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पाटीदार। कहाँ से आए? इदारतपुर से। हम छालपा इदारतपुर का निवासी हैं, हम सब किसान भाई, और हम करीबन 150 पैकेट हमारे गाँव में वितरित हुए, तो हम कंपनी से उत्पादन लागत सब की मांग करते हैं कि हमारा पूरा साल बर्बाद हो गया है, तो हमको उचित मुआवजा मुहैया कराया जाए, यही कंपनी से शासन से मांग करते हैं। ये सब कौन सा बीज खरीदा था? ये मानसेंटो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका जो सेमिनेस 1448 है वही बीज हमने खरीदा था। जो भी एक एक किसान के यहाँ सक्सेस नहीं हुआ है, सभी किसानों के यहाँ पूरा फेल हो चुका है। कितना नुकसान हुआ है एक-एक? सर लाखों करोड़ों में जाएगा सर, वो तो अब 25-30 एकड़ में वो लगता, 150 पैकेट हम गांव वाले एक गांव के लाए हैं। कहाँ से खरीदे थे आपने? सर ये 3-4 दुकानों से हमने अलग अलग खरीदे थे, सबके आवेदन हमने बना के रखे हैं। मतलब ये खरगोन जिले तहसील खरगोन एग्री क्लिनिक खरगोन से, फिर अपने जय श्री अम्बे जी राधा कृष्ण वाला यहाँ के न्यू राधा वाला से। क्या चाहते हैं आप? हैं क्या चाहते हैं सर? हम कंपनी से सभी किसान उचित मुआवजा की मांग करते हैं कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? कमलेश पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।